हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं फॉर्म नाम का, और फिर हम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं और अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं फॉर्म फोल्डर के अंदर index.html। हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हम इसका टाइटल दे देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम बॉडी टैग में लिखेंगे फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग के अंदर हम यहाँ लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, और फिर हम लगाएंगे इनपुट टैग। इनपुट टाइप हम यहाँ पे टेक्स्ट कर देंगे, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे नेम, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप, हम यहाँ पे टेक्स्ट ही रहने देंगे, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे एड्रेस, इनपुट टाइप हम लिखेंगे टेक्स्ट, और हम यहाँ लिखेंगे फादर नेम, इनपुट टाइप हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे जेंडर, और इनपुट टाइप हम यहाँ पे कर देंगे रेडियो, और यहाँ पे हम लिखेंगे मेल। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे फीमेल, और नेम में हम यहाँ पे लिख देंगे ए, और यहाँ पे हम लिख देंगे ए। हम इसको सेव करते हैं और इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं। ये देखिए हमारे इनपुट बॉक्सेस शो हो रहे हैं। हम यहाँ पे br टैग लगाएंगे ताकि हमारे इनपुट बॉक्सेस में ब्रेक लग जाए और वो नेक्स्ट लाइन में शो हो। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और सब में लगा देते हैं। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे नेम में ए और ए सेम इसलिए रखा है ताकि हम दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर पाए, मेल या फीमेल। अगर हम यहाँ पे एक में नेम डिफरेंट कर देते हैं, जैसे बी कर देता हूँ, तो हम दोनों सेलेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए मेल भी और फीमेल भी, इसलिए हमने यहाँ पे नेम सेम रखा है। जेंडर के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास, और हम यहाँ पे इनपुट टाइप कर देंगे रेडियो, और यहाँ पे हम लिखेंगे +1। हम इसको कॉपी कर लेते हैं
और इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं +2, और यहाँ पे हम नेम को रखेंगे सेम। बी, और यहाँ पे हम, और यहाँ पे भी हम रखेंगे बी। ये देखिए हम यहाँ पे बी आर टैग लगा देते हैं। क्लास के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हॉबीज इनपुट टाइप, हम यहाँ पे कर देंगे चेकबॉक्स। चेकबॉक्स में हम एक ऑप्शन से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे नेम रखेंगे डिफरेंट। जैसे हमने पहला कर दिया A1, हम यहाँ पे कर देते हैं सिंगिंग, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे नेम कर देते हैं डिफरेंट, यहाँ पे हम कर देंगे A2 A3, और यहाँ पे हम सिंगिंग की जगह कर देते हैं डांसिंग। क्रिकेट हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स किया हुआ है। हम यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं। हॉबीज के बाद हम यहाँ लिखेंगे कोर्स। कोर्स में हम लगाएंगे सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग के अंदर हम लगाएंगे ऑप्शन टैग, और पहला ऑप्शन हम यहाँ पे रखेंगे वेब डिज़ाइनिंग। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और सेकंड ऑप्शन हम यहाँ कर देते हैं C++। थर्ड ऑप्शन हम यहाँ रखेंगे PHP। हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हम कोई भी कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में भी हम सिलेक्ट टैग लगाएंगे, उसके अंदर हम लगाएंगे ऑप्शन टैग। पहला ऑप्शन होगा +2, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा होगा ग्रेजुएट। थर्ड ऑप्शन हमारा होगा पोस्ट ग्रेजुएट। हम यहाँ पे ब्रेक टैग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं। ये देखिए क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे शो हो गया है। हम यहाँ पे ग्रेजुएट सेलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे दो बटन बनाएंगे, सबमिट बटन इनपुट टाइप सबमिट, और एक बनाएंगे हम रीसेट इनपुट टाइप रीसेट। हम यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं
ये देखिए हमारे बटन शो हो गए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।